हमारे विद्यालय में पहले बाथरूम बने हुए नहीं थे, पेशाबगार बने हुए नहीं थे और प्याऊ नहीं था स्कूल के अंदर। पहले बाथरूम में जाने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि इतना गंदा था, बाथरूम जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। सैनिटेशन से रिलेटेड एक मेन जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी स्कूल वो था टॉयलेट्स जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 994। तो ऑब्वियसली टॉयलेट्स की भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि जैसे इंटरवल होता है तो एक साथ सारे बच्चे टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर एरिया की तरफ जाते हैं। पहले जब इंटरवल होती थी तो हमें यहाँ पे छात्राओं की तादाद बहुत ज़्यादा है तो हमें लाइन में लगना पड़ता था, इससे हमें काफ़ी असुविधा होती थी। लेकिन न्यू टॉयलेट्स बनने से हमें काफ़ी सुविधा हुई है, दोनों साइड टॉयलेट्स बन गए हैं। लड़कियों के शौचालय के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी तो इधर उधर से वो शौचालय काम नहीं कर रहा था, बना हुआ तो था लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, पानी की उसमें सुविधा नहीं हो पा रही थी। धूप में हमें बैठना भी पड़ता था और हमें खाना भी धूप में खाना पड़ता था और धूप में पढ़ना भी पड़ता था। टॉयलेट हमें बाहर करने के लिए जाना पड़ता था। जो टॉयलेट और सेट तैयार किए हैं उन सबसे बच्चों के लिए बहुत ही राहत पहुँची है, नहीं तो बच्चे धूप के अंदर परेशान होते थे, पढ़ाई करने के लिए भी धूप में बैठते थे, टीचर्स को भी परेशानी होती थी, टॉयलेट के लिए बच्चे बाहर जाते थे। स्कूल की जो ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतों को देखते हुए और फर्स्ट प्रायोरिटी से इस स्कूल को डेवलप करने का कार्य किया है। अच्छी बिल्डिंग भी इन्होंने बनवा दी है, पानी के लिए भी अच्छी व्यवस्था कर दी है, बच्चों के लिए टॉयलेट यूनिवर्सल ये सारे बनवा लिए हैं। जो हमारे पुराने टॉयलेट्स थे उनको भी उन्होंने पूरा रिनोवेट किया, उसमें टाइलिंग फैसिलिटी और रनिंग वाटर फैसिलिटी इस एरिया में उन्होंने जो भी था वो किया। लड़कियों के लिए तो बाथरूम की सुविधा थी नहीं यहाँ क्योंकि लड़कियों को इधर उधर दीवारों के पास जाते कहीं बाहर भी जाना पड़ता था और लड़कों के लिए केवल हमने वो पट्टियाँ खड़ी कर रखी थी। टॉयलेट की सुविधा होने के बाद में हमें वो ये समस्या हमारी दूर हो गई। अब लड़कियों के लिए भी अलग है और लड़कों के लिए भी अलग से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी कुछ जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है या ज़रूरत है उसको करता रहे। अगेन थैंक्स टू केयर्न एंड युवा इंडिया। केयर्न इंडिया और युवा अनस्टॉपेबल दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब काम करने के लिए मैं युवा और केयर्न को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।